एवरीवन, नमस्ते, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से जीके जा रही हूँ मेटामॉर्फोसिस क्लिनिक। मुझे ना स्किन पे कुछ करवाना है, मेरा पैकेज भी है तो उसमें काफ़ी सारे ना ट्रीटमेंट्स बचे हुए हैं और काफ़ी महीने भी हो गए थे मैंने कुछ करवाया नहीं था। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा मैं फ्री हूँ, कुछ करवा लेती हूँ, तो देखते हैं डॉक्टर क्या सजेस्ट करती है। क्योंकि अभी ना मेरे फेस पर यहाँ पर थोड़ी सी कुछ एलर्जी हो गई है, कल रात में ही होने लगी थी। अपॉइंटमेंट मैंने एक हफ्ते से ले रखा है, पर ऐसा होता है ना कहीं पर जाना होता है या कुछ करवाना होता है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सेंसिटिव स्किन में तो ये इतनी ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। तो मेरे फेस पर ना यहाँ थोड़ी रेडनेस हो रही है, इधर मैंने कुछ भी लगा नहीं रखा है, सिर्फ सनस्क्रीन लगा रखा है, तो यहाँ पे इचिंग भी हो रही थी। तो देखते हैं क्या होता है। मैं सोच रही थी रेड कार्पेट फेशियल करवाने का या तो केमिकल पील करवाने का, पर पील में ये हो जाएगा कि एक हफ्ते 10 दिन तक मैं फेस पर कुछ लगा नहीं सकती हूँ। तो देखते हैं डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, पील होगा, पीआरपी होगा या फेशियल होगा। अच्छा, तो मैं क्लिनिक पहुंच गई हूँ और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा है कि रेड कार्पेट फेशियल ही मेरे लिए अभी ठीक रहेगा क्योंकि वो माइल्ड होता है। और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो जरा डॉक्टर आपको शॉर्ट में बता देंगे। Hi, so Nidhi, we are doing red carpet medification on your skin. So it will be including your cleaning, scrubbing, MDA part and then the IPL shots. Then there will be some like LED mask on your face and then we will give you the hydration like sunscreen and this thing to the post care also. So total how many steps are there? 7 to 8 steps are there. 7 to 8 and is it suitable for all skin types? For all skin types, but in your case as you are having the oily skin, so we will be restricting the massage portion. ओके, तो जैसे किसी की ऑयली स्किन रहेगी तो दूसरी चीज पे फोकस करा जाएगा। इफ समवन हैज ड्राई स्किन, या अकॉर्डिंगली वी यूज टू मॉडिफाई द स्टेप्स। अच्छा, तो स्टेप्स मॉडिफाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके। एंड दे टेक ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो ये मेरा बेड है और इसी के अंदर ना सारा सामान है, मतलब जो भी गाउन, मास्क एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, तो किसी भी फेशियल में स्टार्टिंग पहले क्लेंजिंग से ही होती है, तो मेरे फेस पर पहले क्लेंजिंग करी गई थी अच्छे से मसाज करते हुए, और इनको टेक्निक ना ज़्यादा बेटर पता होती है। वैसे मेरे फेस पर कुछ लगा तो नहीं हुआ था, सिर्फ सनस्क्रीन था, पर तब भी क्लेंजिंग करना पहले ज़रूरी होता है। तो क्लेंजिंग करने के बाद इन्होंने इसको ये रिमूव कर दिया और फिर पैड ड्राई कर दिया था। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप, स्क्रबिंग करी गई मेरे फेस और नेक पर, और मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है और रेडनेस भी ऑलरेडी थोड़ी सी हो रखी थी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हल्के हाथों से ही 1-2 मिनट के लिए मेरे फेस पर स्क्रबिंग करी गई अच्छे से। और स्क्रबिंग करने के बाद ना ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालना काफ़ी इजी हो जाता है, और जैसे इन्होंने निकाला था ना, सो इट वाज पेनलेस। नहीं तो अगर पेन हो रहा होता ना, मैं अभी तक बहुत ज़्यादा शक्लें बना रही होती। तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हटाने के बाद इन्होंने मेरे फेस पर जेल अप्लाई करा फॉर 5 to 10 minutes और फिर उसको ऐसे ही थोड़ी देर फेस पर रहने दिया। एंड आफ्टर दैट दे मसाज्ड माय फेस। वैसे तो क्रीम अप्लाई करते हैं मसाज के लिए, पर मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो जेल मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहता, तो इसलिए जेल से इन्होंने अच्छे से मसाज करा है, जो भी ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाए और अच्छा रहता है ना फेस के लिए। मसाज भी ज़रूरी है जो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं घर पे, तो इन्होंने इसको मसाज कर दिया फेस को, और इसके बाद ये जो भी एक्स्ट्रा जेल लगा हुआ था उसको रिमूव कर दिया। तो अभी ये क्या हो रहा है? हम ऑक्सी स्प्रे कर रहे हैं, इसमें सीरम आपका इन्फ्यूज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये मशीन से? हाँ जी। अच्छा, सीरम इन्फ्यूज करेंगे इससे? सीरम स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा, स्प्रे करेंगे। हाँ जी। तो इससे क्या बेनिफिट, क्योंकि इससे जैसे मशीन से सीरम लगा, ये विटामिन सी का सीरम है, जैसे आपने बताया आपकी ऑयली स्किन टाइप है, तो इट विल बेनिफिट फॉर यू। ओके। अच्छा, ये एयर है इसको ड्राई करने के।
ये आपने कुछ अप्लाई कर रखा है स्किन? नहीं मैम, सीरम को पैट कर रहे हैं ताकि थोड़ा डीप जाए स्किन के अंदर ना। सो आफ्टर सीरम एप्लीकेशन दे अप्लाइड अ पैक ऑन माई फेस और नेक पर भी इसको अप्लाई करा था और 10 से 15 मिनट्स के लिए रहने दिया जब तक ये ड्राई हो गया। और ड्राई होने के बाद इसको सर्कुलर मोशंस में मसाज करते हुए इसको हटा दिया और पैड ड्राई कर दिया था, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इन्होंने मुझे फिर लेज़र शॉट्स दिए थे फेस पर। तो फेस पे लेज़र के लिए पहले इन्होंने जेल अप्लाई करा है और फिर ये कुछ शॉट्स दिए हैं और ये मेरे फेस पर, नेक पर और माउथ के अराउंड हमारे जैसे पिगमेंटेशन होती है और फोरहेड पे, बेसिकली पूरे फेस और नेक पर करा गया था, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करा था उन एरियाज़ पे जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा रहती है। और लेज़र करने के बाद फिर से मेरे फेस पर जेल अप्लाई करा इन्होंने, बिकॉज़ लेज़र थोड़ा सा गर्म होता है ना, शॉर्ट्स ऐसे लगते हैं, तो जेल थोड़ा सा कूलिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। और फिर इसको रिमूव करने के बाद इन्होंने मेरे फेस पर ये रबर मास्क लगाया है, मैं ये ज़्यादा बोल रही हूँ यहाँ पे, तो इन्होंने मेरा मुँह भी बंद कर दिया। नहीं, ये लिप्स पे भी लगा सकते हैं क्योंकि हाइड्रेशन मिलती है, और मैंने ये चीज़ भी देखी थी, मेरे लिप्स थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे इसके बाद। तो ये पूरे फेस पर ऐसे लगाया जाता है, रबर मास्क है, और फिर एक बारी में ना इसको निकाल दिया जाता है सूखने के बाद, जब ये ड्राई हो जाता है। तो अब देखना इसको किस तरीके से निकालेंगे, आगे आप देखना। और फिर जो भी थोड़ा सा ऐसे रहता है, एक बारी में ही निकल जाता है, ऐसे इसको ना मसाज वगैरह नहीं करना पड़ता। देखो, ये नीचे से ही ऐसे इन्होंने पकड़ा और निकाल दिया। और इसके बाद इन्होंने लगाया है ये LED मास्क, जो बड़ा ही फैसिनेटिंग था मेरे लिए क्योंकि ये मैंने कभी ट्राई नहीं करा था। तो इसके ना कलर चेंज होते रहते हैं, आप देखना। मेकअप करिए। तो ये देखो इसके कैसे ना डिफरेंट कलर चेंज हो रहे हैं। और इसको भी इन्होंने 5 to 10 मिनट्स के लिए मेरे फेस पर रहने दिया था और फिर इसके बाद इन्होंने इसको हटा दिया था। और पता है, इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, पर ओवरऑल फेशियल मुझे अच्छा लगा। और इन्होंने फिर ये सीरम अप्लाई करा मेरे फेस पर और सीरम के बाद सनस्क्रीन अप्लाई करा, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है सुबह में भी लगाना, और अगर आप कुछ भी करवा रहे हो उसके बाद भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है। और फिर ये आप रिजल्ट देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी चमक रही है, ग्लो कर रही है, काफ़ी स्मूथ लग रही थी, हाइड्रेटेड लग रही थी, फर्म लग रही थी, फाइन लाइन्स थोड़े से कम लग रहे थे। और नेक्स्ट डे के भी मैं आपको आगे रिजल्ट दिखाऊंगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना होगा ना तो वो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और एड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने नीचे प्रोवाइड करा हुआ है क्लिनिक का, आपको देखना होगा, उनसे कुछ पूछना होगा या किसी और ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना होगा तो वो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो। और ये मेरे नेक्स्ट डे के रिजल्ट, जल्दी क्लिप शिफ्ट हो जाओ। हाँ, तो ये है, आप देखो नेक्स्ट डे कैसा लग रहा था मेरा फेस। और ये जो लाइट है ना, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, ये मैंने छाँव में लिया है, ज़्यादा सनलाइट में भी जाते हैं ना तो स्किन थोड़ी सी लाइट लगने लगती है, तो बिल्कुल परफेक्ट मेरा स्किन टोन पता चल रहा है। और ये रेडनेस मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही मतलब था मेरे फेस पर। बाकी मुझे रिजल्ट्स अच्छे लगे और बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है? चलिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।